अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आप सब लोग कह रहे होंगे कि अंतिशा कहाँ चली गई हैं, वन वीक में आती हैं अपना एक व्लॉग लेकर। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, क्योंकि अब मेरे पेपर भी हो रहे हैं और रमज़ान भी करीब एक महीना रहता है। मेरा स्कूल भी जो है वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर है, बल्कि लास्ट मंथ चल रहा है मेरा स्कूल का। तो इसी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और आज मैं सेंटर से जल्दी आ गई थी, थोड़ा वैसे मैं आती हूँ 7:30 बजे, लेकिन आज मैं जल्दी आ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपनी एक और ब्लॉग शेयर करूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ और इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। आइए देखते हैं आज मम्मा किचन में क्या बना रही हैं। जी तो मम्मा बना रही हैं ये मूंग की दाल की मंगोचियाँ, और ये है इसका मसाला, और ये मेरे लिए फ्राई किए हैं, क्योंकि जब मैं ट्यूशन से आती हूँ सेंटर से, तो फिर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। ये हैं मंगोचियाँ, ये बन गए मम्मा जी। इसको ऐसे खा भी सकते हैं? मैं इसको भी खाऊंगी। खाऊं? दिखाना, चेक करो, खाओ। लेकिन ये वैसे सालन में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये सालन, अभी सालन बनेगा इसका, मसाला भूल गया। आजकल हम लोग भी चिकन और बीफ से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, क्योंकि आप सब लोगों को भी पता होगा ये जो वायरस इसमें आया हुआ है गाय में, और इसमें इसकी वजह से जो हम गाय का दूध है वो भी नहीं पी रहे ज़्यादा। आप लोग भी थोड़ा अवॉइड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाइए आप लोग, दालें खाइए और सब्ज़ियाँ खाइए और फ़िश खाइए, फ़िश भी बहुत अच्छी होती है, ये सब चीज़ें खाइए। अभी थोड़े टाइम के लिए चिकन और बीफ को बाय बाय कर दें, क्योंकि इसमें अभी बहुत से बुरी बीमारी आई हुई है। और आप लोगों की क्या मसरूफियात हैं? वैसे तो अब नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो शबे बरात है, फिर सबके घर में हलवे बनेंगे, किसी के घर सूजी का, किसी के चने की दाल का, किसी के बनेगा बेसन का, और कौन कौन से होते हैं हलवे मम्मा? सूजी का, मूंग की दाल का। लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो एक है बेसन का और एक है चने की दाल का, ये मेरा फेवरेट है। और खोपरे का भी अच्छा होता है बहुत। तो आप सब भी बताइएगा मुझे कि किसके घर में कौन कौन से हलवे बनते हैं, और जिस दिन हम बनाएंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ तो दिखाने ही भूल गई, वो मैं अभी दिखाती हूँ। मेरा गिफ्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी दिखाऊंगी क्या है। जी तो ये है मेरी न्यू रिंग लाइट। वैसे तो मेरे पास रिंग लाइट थी, लेकिन वो ख़राब हो गई थी, तो मेरी आनी जो है वो मेरे लिए न्यू रिंग लाइट लेकर आई है। ये रही, मुझे लेनी तो थी लेकिन मेरी आनी ने मेरे लिए ले ली। और ये है कि इसके हम इसको ऑन करते हैं, रुके। क्या हो गया? मेरी आनी ने मुझे गिफ्ट की है, और मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, ये रहा। जी तो ये रही मेरी न्यू रिंग लाइट, जिसके बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी हैं। एक ये है और एक ये है, मेरा फेवरेट कलर ये है, और एक ये वाला है जिसमें रात में जब वीडियो बनाओ इतनी प्यारी बनती है, ये देखें। थैंक यू आनी एंड मामा, मुझे ये गिफ्ट किया है, और ये देखें। अब हम इसे करते हैं बंद, और ये है इसका पावर बैंक, ये चार्ज पे भी मुझे लगाना है। जी मम्मा ये चार्ज पे लगाऊं मैं अभी, मेरे से भी 50% है। जी तो ये थी मेरी रिंग लाइट, और अब आ रही है शबे बारात। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि शबे बारात पे हम हलवे तो बनाते हैं, लेकिन हलवों के साथ हम इबादत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये रात सबसे बड़ी रात है शबे बारात की। और वैसे तो हम सारे पूरे साल ही हम इबादत करते हैं, लेकिन जो इस रात इबादत करने के जो सवाब है वो हमें कभी भी नहीं मिलता। और वैसे हम बातें तो फुल टाइम करते भी रहते हैं, बातें भी करते हैं, घूमते भी हैं, लेकिन इस रात आप लोग भी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी इबादत करें, मैं भी इबादत करूँगी। उस दिन भी इंशाल्लाह हम मिलेंगे, अगर टाइम मिला तो। मैं प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि रोज़ा भी होगा, रोज़े में फिर मेरी जो एनर्जी वो बिल्कुल डाउन हो रही होती है। मैं सो कर ही जो है उस दिन मैं उठती हूँ जोहर के टाइम, वो भी मम्मा उठाती हैं, फिर उसके बाद मैं जोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ती हूँ, खाना तो खाना नहीं होता। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ मम्मा, फिर जी मम्मा जब अफ्तारी की तैयारी कर रही होती हैं, फिर मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाती हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें मम्मा ही बनाती हैं, इतने रोज़े में मम्मा इतना काम करती हैं।
जी तो ये हैं पापड़ और बहुत अच्छे हैं, यम्मी। थैंक यू मम्मा, बहुत अच्छे बने। और अच्छा, पकोड़े तो हमें वैसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन रमज़ानों में जो पकोड़ों की बात आती है ना, वो कभी और अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। पकोड़े तो हम खाते ही रहते हैं। रमज़ान भी अब आने वाले हैं, शबे बारात के थोड़ा टाइम बाद ही। अब रमज़ानों में सिर्फ 20-22 दिन रह गए हैं, फिर रमज़ान आ जाएंगे, फिर हम वही रोज़े रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, और फिर उसके बाद रमज़ानों के बाद मेरे फ़ौरन पेपर हैं बोर्ड के, और बोर्ड का जो है शेड्यूल आ गया है, वो है मेरा 17 मई को जो है वो मेरा पहला पेपर है। और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो, और बहुत अच्छी मेरी तैयारी चल रही है। इसी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं ना किसी के घर आ रही जा रही हूँ, ना मैं अपनी कज़न से ज़्यादा किसी से बातें कर रही हूँ। बस अभी तो बहुत बिज़ी चल रही हूँ मैं आजकल। और फिर जब बोर्ड के पेपर मेरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह जिस दिन मैं जाऊंगी, फर्स्ट डे मेरा कॉलेज का होगा, वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ बनाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे कि मेरा फर्स्ट डे कॉलेज का कैसा होगा, कौन सी फ्रेंड्स मेरे साथ होंगी, कौन नहीं होंगी। स्कूल की तो मेरी कोई भी नहीं है मेरे साथ, अब न्यू फ्रेंड्स बनेंगी, देखते हैं। और 12 मार्च को मेरे कज़न की बर्थडे है अयान की, आज 10 मार्च है। अयान, हैप्पी बर्थडे फॉर एडवांस। और एडवांस में मैं अपने कज़न को विश कर रही हूँ बर्थडे। वैसे तो हम बर्थडे में इंशाल्लाह जब जाएंगे तो वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरी बर्थडे में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरी बर्थडे आती है 4 सितंबर को। अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 मंथ्स है मेरी बर्थडे में अभी। जी तो मैं जा रही हूँ अब थोड़ी देर के लिए टीवी देखने। ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि अब मैं थोड़ी देर टीवी देखने जा रही हूँ, मेरे टीवी का भी टाइम हो गया है। थोड़ी देर तो हमें टीवी भी देखना चाहिए ना, थोड़ा हमें अपना माइंड फ्रेश भी तो करना चाहिए। पढ़ते रहेंगे तो ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़। और जी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में।